नमस्ते दोस्तों, ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे सब्सक्राइबर्स के दिए गए कुछ स्टॉक के टेक्निकल आउटलुक, अप ट्रेंड लेवल, डाउन ट्रेंड लेवल, स्टॉक की पोजीशन अभी क्या है, कौन सी पोजीशन में क्लोज हुआ है, अगले दिन क्या हो सकता है, उस बारे में चर्चा करेंगे जैसे डेली मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पज़ बना रहा हूँ। जो भी लेवल यहाँ पर मैं पेश करूँगा मेरे खुद के रिसर्च से, अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी से ट्रेड कीजिए। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स, अभी नज़दीकी सपोर्ट लेवल और नज़दीकी रेजिस्टेंस लेवल के बीच में क्लोज हुआ है, ना ये बाइंग पे है ना सेलिंग पे है। हालांकि स्टॉक अभी 50 डेज क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है और 50 डेज के क्लोजिंग प्राइस जो है वो बहुत ही नज़दीकी प्राइस है। तो चलिए लंबी बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, पहले इतना आप लोग समझ लीजिए कि ये ना बाइंग पे है ना सेलिंग पे है, ये स्टॉक जो है वो अभी मिडिल पे है। चलिए उसका लेवल देख लेते हैं, 266.65 पे क्लोज हुआ है। अगले दिन अगर ये 269.50 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 275 एंड 278। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड लेवल, अगर ये 263 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 260 एंड 258। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकडॉनल्ड, इसका कंडीशन क्या है। अब देखिए ये हल्के से स्विंग ट्रेड हो रहा है उसमें, और स्विंग ट्रेडिंग कैसा हो रहा है, डे ट्रेडिंग में हल्के से स्विंग ट्रेडिंग। अब देखो कभी ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो कभी सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फिर सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करते हुए रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं, फिर सेकंड टाइम नीचे क्लोज हो रहा है, और साथ ही साथ अभी नज़दीकी सपोर्ट लेवल के पास क्लोज हुआ है, रेजिस्टेंस लेवल के पास क्लोज हुआ है, और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो बहुत ही नज़दीकी है। साथ ही साथ 50 डेज की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अभी ट्रेड कर रहे हैं, प्रीवियस कैंडल की जो ओपन प्राइस है ओपन प्राइस के बराबर क्लोज हुआ है, अगले दिन कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये 50 डेज के क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकडाउन करते हैं तो नीचे गिरेगा, और अगर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की तरफ छलांग मारेगी। तो चलिए 585.52 पे क्लोज हुआ है, उसका लेवल हम देख लेते हैं। अगर ये 590 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 595 एंड 598। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड लेवल, अगर ये 574 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिलेगा 570 एंड 564। नेक्स्ट हम बात करेंगे एचएल टैक, इससे पहले और एक जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप लोग ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, मैं आप लोगों को हर तरीके से सहायता करूँगा, और फ्लिट ब्रोकरेज 20 रुपीज़। अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9862424240 में, और अगर आप लोग पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, डेली में 2 से 4 कॉल प्रोवाइड करता हूँ 80% एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए एचएल टेक का जो कंडीशन है, अभी ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, ओवरऑल सेलिंग पोजीशन में है, और सेलिंग में रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि इंडिकेटर का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है, और रेशियो भी नीचे की तरफ ही है, और सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करते हुए सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, और एक वीक बियरिश कैंडल लेके क्लोज हुआ है। अगले दिन अगर इस सपोर्ट लेवल को, यानी जो अभी रेजिस्टेंस लेवल बन के खड़े हुए रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की तरफ उछाल आएगी, वरना गिरावट में रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो चलिए 989.40 पे क्लोज हुआ है, अगले दिन अगर 995 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 1002 एंड 1010। नीचे का लेवल अगर ये 982 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 970 का। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइंट्री, माइंट्री का कंडीशन क्या है। माइंट्री देखिए अप ट्रेंड में था, और अप ट्रेंड में होते हुए रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक डाउन करते हुए नज़दीकी सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, और 50 डेज की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। दो दो स्ट्रॉन्ग लेवल है यहाँ पर, सिर्फ एक नहीं, साथ ही साथ इंडिकेटर भी हमें सपोर्ट दे रहा है ऊपर की तरफ जाने की। हालांकि बियरिश कैंडल लेके क्लोज हुआ है, प्रीवियस कैंडल की ओपन प्राइस के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन जब तक सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, दो दो सपोर्ट लेवल है
तब तक हम उसमें पोजीशन बना के रख सकते हैं। तो 968 पे क्लोज हुआ है, ज़्यादा नहीं। अगर 973 को ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 980, और 980 को अगर ब्रेकआउट करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 1000 का। नीचे का लेवल अगर ये 960 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 950 एंड 945। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरोफार्मा। ओरोफार्मा का कंडीशन अप ट्रेंड में है, बाइंग पे है, और हम उसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। सीधे हम लेवल की बात कर लेते हैं, 593.50 पे क्लोज हुआ है, 593.50 पे क्लोज हुआ है। अगले दिन अगर ये 600 के ऊपर सस्टेंस करते हैं, 600, तो हमें लेवल मिल सकते हैं 610 एंड 615। और अगर ये 585 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 580 एंड 575। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 के माइल्स। इससे पहले और एक जानकारी, अगर आप लोग इंट्राडे फ्री लाइव ट्रेड प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, इस वेबसाइट को विजिट करना है anjantechresearch.com। और यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग विजिट करते हैं, इंट्राडे टिप्स में क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप लोगों को इंट्राडे कॉल मिल जाएंगे लाइव मार्केट में। आज मैंने कोई कॉल प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि मैं आज बाहर था और लैपटॉप भी मेरे साथ नहीं था, इसलिए मैंने कॉल प्रोवाइड कर नहीं पाया उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ, इसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करके, और लेवल के हिसाब से अगर ट्रेड करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से ट्रेड कीजिएगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा आप लोगों को, बाकी जानकारी यहाँ पर आप लोग वन डे बिफोर कॉल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक दिन पहले का कॉल जो है, जैसे बियर स्टैंड सेलिंग के लिए, सेलिंग स्टॉक फॉर टुमोरो, सभी सेलिंग के लिए यहाँ पर कॉल है, बियरिश कॉल, मेरे चुने हुए चुनिंदे स्टॉक है जो स्ट्रांग है, और यहाँ पर बुली स्टॉक है बाय करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के मिल जाएंगे। डाउन ट्रेंड स्टॉक फॉर सेलिंग, ये डाउन ट्रेंड स्टॉक है जिसमें हम पोजीशन बना सकते हैं, इसमें आप अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। आप लोगों को अलग से स्टॉक फाइंड आउट करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन आज मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया, आज 24 तारीख के लिए, लेकिन यहाँ पर 23 तारीख का है, तो मैं कोशिश करूँगा आज भी अपडेट करने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे पेड सर्विस की कॉल भी जनरेट करना है। चलिए 8 के माइल्स हम देख लेते हैं। 8 के माइल्स का जो कंडीशन है, अभी ओवरऑल सेलिंग पोजीशन पे है, डाउन ट्रेंड में है, इंडिकेटर भी डाउन ट्रेंड में, हर तरीके से डाउन ट्रेंड में है, और नज़दीकी सपोर्ट लेवल के पास क्लोज हुआ है। अगले दिन अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन करते हैं तो हम नीचे गिरावट देखेंगे, बेशक उसमें कोई शक नहीं है। 249.10 क्लोज हुआ है, अगर ये ज़्यादा नहीं 245 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं नीचे 5 से 8 पॉइंट का डाउन मिल सकते हैं। और अगर ये 255 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं, कितना लेवल मिल सकते हैं फ्रेंड्स, हमें लेवल मिल सकते हैं कम से कम ऊपर की तरफ 7-8 पॉइंट। चलिए अब हम बाकी देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स का कंडीशन क्या है, पीसी ज्वेलर जो है देखिए, अचानक से उसमें एक उछाल आई थी, लेकिन आने के बाद क्या हुआ, अभी एक ही ट्रेडिंग रेंज पे पूरा दिन ट्रेड किया। आप लोग ध्यान में रखिए इस चीज़ को, एक लेवल को कभी ब्रेकआउट किया तो कभी ब्रेकडाउन किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, एक ही ट्रेडिंग रेंज पे ट्रेड करते हुए अचानक से सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन करते हुए 50 डेज के क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेकडाउन किया और उसके नीचे ही क्लोज हुआ है 91 पे। और जहाँ तक हमने एक दिशा देखा ऊपर जाने की, लेकिन वो भी अभी रुकावट आ चुकी है उसमें कि ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी अब उसमें बहुत ही कम है। फिर से दोबारा लगता है कि नीचे गिरेगा और गिरने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इंडिकेटर का ट्रेंड जो है नीचे की तरफ है, एक ही ट्रेडिंग रेंज पर ट्रेड करते हुए 50 डेज को भी ब्रेकडाउन कर चुका है, और पिछले दो कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है, जो ओपन प्राइस है, उसके नीचे क्लोज हुआ है, तो 91 पे क्लोज हुआ है। चलिए उसका लेवल देख लेते हैं, अगर ये 87 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 80 एंड 75 का, और अगर ये 94 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिलेगा 98 एंड 102 का। अब हम बात करेंगे लास्ट स्टॉक ई प्रो के बारे में बात कर लेते हैं। ई प्रो का कंडीशन भी सेम है, उसमें हम बात नहीं करेंगे लंबी बात, जैसा मैंने पीसी ज्वेलर्स में चर्चा किया सेम हूबहू पीसी ज्वेलर्स की तरह ये चल रहा है, खास करके
आज के ट्रेडिंग सेशन में ऐसा ही रहा है। ठीक है, तो अभी ये गिरावट में है, गिरावट में रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास है, अगर बाय चांस उसको ब्रेकआउट करते हैं तो बढ़िया प्रॉफिट मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। 272.75 पे क्लोज हुआ है, 275 के ऊपर अगर ये सस्टेंस करते हैं तो लेवल मिल सकते हैं 280 का, और अगर ये ज़्यादा नहीं नीचे की तरफ 270 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकता है 265 का। तो फ्रेंड्स, हमें आशा है आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से ट्रेड कीजिए, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता मेरे बताए गए लेवल पर ट्रेड करने के लिए। अगर आप लोग पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर डिमांड अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का हर तरीके से सहायता करूँगा। तो आज के लिए इतना सही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।